हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षाज किचन डॉट कॉम। आज मैं बनाऊंगी आलू के फूले फूले पकौड़े, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे फूले फूले आलू के पकौड़े बनाना। आलू के पकौड़े बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का आलू, उसको मैंने इस तरह से चिप्स की तरह काट लिया है पतले पतले पीसेस में। और एक कटोरी लिया है मैंने बेसन। मसालों में मैंने यूज़ किया है आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, और आधा चम्मच लिया है मैंने गरम मसाला, और थोड़ी सी मैंने ली है हल्दी। हल्दी मैंने इसको कलर के लिए दी है, जिससे इसका कलर और भी सुंदर आएगा। और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लिया है मैंने मिक्सर बाउल, तो इसमें मैं बेसन डाल देती हूँ और इसे हम छान लेंगे। ये बेसन को मैंने छान लिया है, तो जो मसाले लिए थे इनको इसमें डाल देते हैं, अदरक और ये हरा अदरक और हरा धनिया इसमें डाल देंगे। फिर इसे मिक्स कर लेते हैं, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। सभी चीज़ों को मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेती हूँ। पानी आप थोड़ा थोड़ा ही डालें, जिससे आपका जो बैटर है ज़्यादा पतला ना हो। देखिए, बेसन का बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है, और ये हमें इस तरह से चाहिए। और इसमें मैंने खाना सोडा यूज़ नहीं किया है, तो मैं इसको पकौड़ों को फुलाने के लिए थोड़ा सा इसमें तेल डाल दूँगी। एक चम्मच इसमें तेल डाल देते हैं, जिससे हमारे जो पकौड़े हैं जो अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। ये तेल गर्म था। देखिए, अब बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है पकोड़े बनाने के लिए, और तेल को भी मैंने गैस पर चढ़ा दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। अब पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक चिप्स ले लेती हूँ और इसमें इसको डाल देती हूँ, और इसे अच्छे से कोट कर देंगे। देखिए इस तरह से, और चम्मच की सहायता से कढ़ाई में डाल देती हूँ। और जितने पकौड़े आ जाएंगे हमारे, उतने ही कढ़ाई में डालेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इनको हम मीडियम गैस पे अच्छे से सिकने देते हैं। पकौड़े हमारे देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे पकौड़े बने, तो चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। आलू के पकौड़े बनके हमारे तैयार हैं, बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी पकौड़े बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। देखिए, इसे आप हरी चटनी, टोमेटो, केचप किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।